सेब के पौधे में ऐसे 7 स्टेजेस आते हैं जिसमें कि आपको एक निश्चित स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। ये 7 स्टेजेस सेब के पौधे में फूल आने से लेकर के सेब की तुड़ाई तक हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 स्टेजेस का जो स्प्रे स्केड्यूल है उसको साझा करेंगे और इनका विश्लेषण भी करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, दिस इज़ राहुल बारिक एंड यू आर वॉचिंग अमेजिंग फार्मिंग टेक विथ राहुल। इस स्प्रे स्केड्यूल में सेब के पौधे में या उसके फल में लगने वाली बीमारियों के साथ साथ उनका डोज भी हम बताएंगे कि कितना डोज में आपको प्रयोग करना है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि स्प्रे स्केड्यूल को सिर्फ फॉलो करने से काम नहीं चलेगा। आपको स्प्रे करने के कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर अगर आप इस स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो करेंगे तभी आपका ये स्प्रे स्केड्यूल काम का है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि स्प्रे करने से पहले हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर स्प्रे करना चाहिए। इस स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो आप तभी करें जब आपका वातावरण सामान्य हो। सामान्य कहने का अर्थ ये है कि आपका वातावरण ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होना चाहिए ना तो बहुत अधिक गर्मी होनी चाहिए। अगर आपका वातावरण सामान्य है तो आप इस स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही इसका लाभ देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको स्प्रे करने के बाद अगर 12 घंटे के भीतर बारिश हो जाती है तो आपको 7 दिनों के भीतर आपको इसी स्प्रे को फिर से रिपीट करना है। पॉइंट नंबर 3, आपको कभी भी सेम केमिकल स्प्रे को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि जो केमिकल स्प्रे को आप एक बार इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल आप अगली बार का जब स्प्रे करेंगे तब उसमें ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बनडिज़म एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। अगर आप एक बार कार्बनडिज़म का इस्तेमाल करते हैं फिर जो अगला स्प्रे लेंगे आप कोई अलग सिस्टमेटिक फंगिसाइड को चुने, जैसे कि बेंजिमिडाज़ोल्स। हमें जब भी बुखार आता है तो हम तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बुखार आने पर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद आपका जो बुखार है वो ठीक नहीं होता है। कुछ ऐसा ही है इसमें भी कि अगर हम बार बार सेम चीज़ का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो फंगस है वो उससे लड़ने सीख जाएगा और वो फंगस ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर बार आप अलग अलग फंजीसाइड का प्रयोग करें। करना आपको सिस्टमेटिक फंजीसाइड ही है लेकिन अलग केमिकल फार्मूला का जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड है उसको यूज़ करें जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, पेस्टिसाइड का प्रयोग आपको तभी करना है जब आपके पास सहायक वातावरण हो और आपको जब इसको करने की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है नहीं और आप ऐसे ही करते जा रहे हैं पेस्टिसाइड का प्रयोग, तो इससे आप बचें। पॉइंट नंबर 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दोस्तों, आप किसी भी पेस्टिसाइड को या केमिकल को या माइक्रोन्यूट्रिएंट को या ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स को एक साथ ना मिलाएं, और इनका प्रयोग अगर करना है या आपको ज़रूरत है कहीं इन सभी की चीज़ों का तो आप इनको अलग अलग प्रयोग करें। अगर इन चीज़ों का प्रयोग आप एक साथ मिलाकर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो सेब हैं उसमें रस्टिंग की दिक्कत आ सकती है और आती भी है। 5th नंबर जो पॉइंट है वो हम जो आज के स्प्रे स्केड्यूल में जो भी हम केमिकल फार्मूला या स्प्रे के बारे में बात करेंगे ये इसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आप बाकी कोई अलग चीज़ में साथ मिलाकर काम करते हैं तो वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि हम जो आज आपको स्प्रे स्केड्यूल साझा करेंगे इसमें जो जो केमिकल फार्मूला स्प्रे आपको बताया जाएगा इसके साथ आप इन चीज़ों को प्रयोग ना करें, ठीक है। बीमारी लगे हुए पत्ते जब गिर जाते हैं तो इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा करें और इसके ऊपर यूरिया का स्प्रे करें जिससे कि इनका अपघटन या डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा और ये खाद बनकर तैयार हो जाएगा और ये बीमारी जो है फैल नहीं पाएंगी। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर आपको इस स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो करना है। तो चलिए किसान भाइयों, देरी ना करते हुए इस स्प्रे स्केड्यूल को आपको समझाते हैं। किसान भाइयों, सेब सेट होने तक लगभग 7 स्टेजेस हो जाते हैं, तो चलिए आपको इन 7 स्टेजेस के बारे में सबसे पहले जानकारी देते हैं। फर्स्ट, सिल्वर टिप, ग्रीन टिप, हाफ इंच ग्रीन टिप, टाइट क्लस्टर, पिंक बड, ब्लूम, पीटल फॉल और उसके बाद होता है फ्रूट सेट। तो दोस्तों, फ्रूट सेट होने तक लगभग 8 स्टेज पार होकर के फ्रूट सेट हो पाता है। हम आपको हाफ इंच ग्रीन टिप से लेकर के प्री हार्वेस्ट तक जो स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो करना है उसको साझा करेंगे। चलिए हम आपको सबसे पहले ट्री का स्टेज बताएंगे, फिर केमिकल बताएंगे, फिर उसको कितना क्वांटिटी में प्रयोग करना है वो बताएंगे, फिर हम उसके बीमारी का नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर पर है वो है हमारा हाफ इंच ग्रीन टिप। इस समय पर आपको जो केमिकल स्प्रे करना है वो है HMO यानी कि हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल। दोस्तों, इसका जो क्वांटिटी रहेगा वो 200 लीटर पानी में 4 लीटर HMO आपको मिला करके अच्छे से घोल करके उसको स्प्रे करना है। दोस्तों, इससे जो हमारा पेस्ट कंट्रोल होगा उसका नाम है सेंजोज स्केल और माइट, तो इससे आपको इन दोनों चीज़ों की समस्या ख़त्म हो जाएगी।
दूसरा स्टेज है स्प्रे करने के लिए पिंक बर्ड स्टेज। इस समय आपको जो स्प्रे करना है वो है आपका थाइक्लोप्रिड, केमिकल नेम है, और इसको 200 लीटर पानी में मिलाना है 100 ml। दोस्तों इससे आपका जो थ्रिप्स की समस्या है वो आपको ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों हम जो भी आपको कंपोजिशन बता रहे हैं ये सारा 200 लीटर पानी में के हिसाब से बता रहे हैं, फिर आपको जो यूज़ करना है आप उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर लेना। थर्ड स्टेज आता है पीटल फॉल, यानी कि जब उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं तब जो हमको केमिकल स्प्रे यूज़ करना है उसका नाम है स्पिरोमिसेफिन 60 ml या हेक्सीथियाजोक्स 200 ml। दोस्तों आपको अगर इन केमिकल नाम का दिक्कत आ रहा होगा, मुझे पता है, तो इसके लिए मैं आपको वीडियो के एंड में इनको बनाने वाली कंपनियों का नाम का लिस्ट भी दे दूंगा, जिससे कि आपको मार्केट में ढूंढने में आसानी हो। पीटल फॉल में इसका स्प्रे करने के बाद आपको माइट की समस्या है वो इससे कंट्रोल हो जाएगी। फोर्थ नंबर स्टेज होता है हमारा फ्रूट डेवलपमेंट, वॉलनट साइज। दोस्तों जब हमारा वॉलनट साइज का एप्पल बन जाएगा तब हमको प्रयोग करना है फेनेजाक्विन 50 ml या प्रोपरगीट 200 ml या हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल यानी कि HMO 2 लीटर। दोस्तों आपको पता ही है इन सभी का जो हम बता रहे हैं इसको 200 लीटर पानी के हिसाब से हम बता रहे हैं। इस स्टेज में भी माइट्स का अटैक होता है तो माइट्स को कंट्रोल करने के लिए इसका स्प्रे होना चाहिए। दोस्तों आपको याद है मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आपको हर बार अलग अलग स्प्रे करना है। आप देख रहे हैं कि बीमारी सेम है लेकिन हम अलग अलग केमिकल जो स्प्रे है उसका प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे होगा ये कि जब भी हमारी नई वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस YouTube पर अपलोड होंगी तो YouTube इसके लिए आपको सूचना दे देगा और आपके पास हमारी जो वीडियोस हैं महत्वपूर्ण वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच पाएंगे। फिफ्थ स्टेज दोस्तों ये है फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, और इस स्प्रे को आपको तब करना है जब आप जो थर्ड स्प्रे लिए हैं उसके 20 दिनों बाद आप इस स्प्रे को फॉलो करें। इसमें जो केमिकल नेम है वो है हेक्सीथियाजोक्स 200 ml या स्पिरोमिसेफिन 60 ml या प्रोपरगाइट 42% प्लस हेक्सीथियाजोक्स 2% EC 200 ml। दोस्तों इसका स्प्रे करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है माइट्स को कंट्रोल करना। सिक्स्थ स्टेज फ्रूट डेवलपमेंट का दोस्तों इसका स्प्रे आपको जो फोर्थ स्प्रे किए हैं उसके 20 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। इसमें जो केमिकल नेम है वो है फेनेजाक्विन 50 ml या प्रोपरगाइट 200 ml। माइट्स को रोकने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है। सेवेंथ नंबर स्टेज ये है दोस्तों प्री हार्वेस्ट स्प्रे। दोस्तों जब हमारा हार्वेस्टिंग शुरू होता है उससे 20 से 25 दिन पहले आपको ये स्प्रे ले लेना है। इसमें जो केमिकल नेम है मेलाथियॉन 200 ml एफिड कंट्रोल के लिए। उसके बाद है आपको लेना है ऑक्सीडीमेटन मिथाइल, ये लेना है आपको 200 ml सेंजोस स्केल के कंट्रोल के लिए। उसके बाद हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो है क्लोरोपाइरीफॉस, इसको लेना है आपको 400 ml, और इससे किस चीज़ का बचाव होगा वो है आपका ओली एप्पल एफिड। जो मैंने क्लोरोपाइरीफॉस कहा वो है हमारा 8th स्टेज में आपको लेना है यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद। माइट्स से बचाव के लिए आप जब स्प्रे करते हैं तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो उसका बेसिन एरिया होता है पौधे का उसमें भी आप स्प्रे करें या ड्रेंजिंग करें। अप्रैल से जून तक कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय लेडी बर्ड बीटल्स, सेफ्रेड फ्लाइज या अदर जो बेनिफिशियल इंसेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इस समय फूल खिल गया होगा उस समय कोई भी पेस्टिसाइड का प्रयोग ना करें। अगर आप उस समय भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वे आपको पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे और आपके कम फ्रूट सेट देखने को मिलेगा। पेस्टिसाइड के प्रयोग से बचने के लिए आप पहले से ही प्रिकॉशन के रूप में जो इंसेक्ट पेस्ट या ट्रैप क्रॉप्स होते हैं उनको ज़रूर लगाएं, जिससे कि आपको पेस्टिसाइड का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छे से जो पेस्ट्स हैं वो कंट्रोल भी हो जाएगा। मिथाइल यूगिनल फेनोमेन ट्रैप को पहले से ही अपने ऑर्चर्ड में इंस्टॉल कर लें, जिससे कि आपका जो फ्रूट फ्लाई अटैक्स होते हैं इससे आप पहले से ही चेक में रख सकें। तो किसान भाइयों ये था आज का महत्वपूर्ण स्प्रे स्केड्यूल जो कि हमने आपको साझा कर दिया है। अब हम आपको जो केमिकल नेम बताया उससे संबंधित जो भी कंपनियां हैं उनका नाम भी आप साझा करेंगे, तो आप इनको नोट कर लें और ताकि आपको मार्केट में ढूंढने में आसानी रहे। ये है हमारा पेस्ट कंट्रोल स्प्रे स्केड्यूल इन एप्पल प्लांट्स। तो दोस्तों इसके बाद हमारे और भी 2 स्प्रे स्केड्यूल आने प्रस्तावित हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही अन्य किसान भाइयों के साथ इस स्प्रे स्केड्यूल को फॉलो जरूर करें। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल
खुला हुआ है, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एप्पल फार्मिंग में।